तो भैया रो राम राम सब जनन को राम राम पहुंचे। बड़ी खबर लेके हाजिर हैं रात के 12 बजे के करीब, और कांग्रेस पार्टी ने 88 नामों की दूसरी सूची को ऐलान कर दो है। जी हां, 88 नामों की दूसरी सूची को ऐलान हो गए है। बहुत बड़ी खबर रात के 12 बजे से तनक पहले, और पूरी सूची आपको एक एक करके बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दिन भर से ऐलान को इंतजार हो रहा हो तो, और अब जो ऐलान हो गया है कांग्रेस पार्टी की सूची हम आपको बता रहे हैं। कुल 88 नामों की, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सब जने, और 88 नाम एक एक करके आपको बता रहे हैं। नई सूची, ताजा सूची, बड़ी खबर, बुंदेली बौछार पे ब्रेकिंग रात के इतने टाइम, सही सही ब्रेकिंग, सच्ची खबर, पक्की खबर बुंदेली बौछार पे। तो भैया शुरू हो जाओ के सुमावली से कुलदीप सिकरवार, मुरैना से दिनेश गुर्जर, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अम्बा से देवेंद्र राम नारायण सकवार, भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी, गोहद से केशव देसाई, ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से जो है टिकट बदल गया है नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, अवधेश नायक को टिकट अब काट दो गए है, और इतने टिकट मिल गया है राजेंद्र भारती को फिर से। जी हाँ, पिछोर में भी बड़ा परिवर्तन हो गया है। शैलेंद्र सिंह की जगह इतने टिकट दो गए है अरविंद सिंह लोधी को टिकट दे दो है कांग्रेस पार्टी ने। प्रीतम लोधी के खिलाफ अरविंद सिंह लोधी बड़ो दाव कांग्रेस पार्टी को। इके संगे गुना में पंकज कनेरिया, बीना, जी हाँ, सागर जिला की बीना में निर्मला सप्रे, खुरई में रक्षा राजपूत, जी हाँ, मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खुरई में रक्षा राजपूत को टिकट दे दो है। रहली में, जी हां, सागर जिला की रहली में भी मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ चुनाव लड़े ज्योति पटेल चुनाव लड़े, जो पूरे बुंदेलखंड के कासिम का है, जो भी हम आपको बता रहे हैं रात के 12 बजे बताएं। और सागर में बड़ो ऐलान, जी हाँ, सागर में निधि जैन चुनाव लड़े हैं। शैलेंद्र जैन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, उनके सगे भैया की पत्नी यानी उनकी बहू निधि जैन अब कांग्रेस से प्रत्याशी हुई हैं। निवाड़ी में बड़ो घटनाक्रम, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित राय अब कांग्रेसी हो गए हैं गुपचुप तरीके से। कछु दिन पहले फिर से भाजपा उन्होंने ज्वाइन करी थी, और निवाड़ी में अमित राय को टिकट दे दी है कांग्रेस पार्टी ने, बड़ो घटनाक्रम। और इसके संग ही दमोह में अजय टंडन एक बार फिर से, जो वर्तमान में विधायक हैं अजय टंडन दमोह से, उनको टिकट मिली है। पन्ना में भरत मिलन पांडे को टिकट मिल गई है, जी हाँ, भरत मिलन पांडे को टिकट मिली है मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ। मैयर में धर्मेश घई, रामपुर बघेलान में रामशंकर प्यासी, सिरमौर में राम गरीब कोल, सिमरिया में अभय मिश्रा ये भाजपा कांग्रेस में आ रहे जा रहे लगातार, और इनको एक बार फिर से टिकट मिल गई है। देवतालाब में पद्मेश गौतम, दीवा में राजेंद्र शर्मा, सीधी में ज्ञान सिंह, देवसर में वंशमणि प्रसाद वर्मा, धवानी में कमलेश सिंह, ब्योहारी में राम लखन सिंह, जैसी नगर में नरेंद्र मारावी, कोतमा में सुनील सराफ, बांधवगढ़ एसटी में सावित्री सिंह, मानपुर में तिलकराज सिंह, विजय राघवगढ़ में नीरज बघेल, जी हां, विजय राघवगढ़ में भी बड़ो घटनाक्रम, नीरज बघेल को टिकट मिल गई है। और ई के संग मुड़वारा में मिथिलेश जैन, बहोरीबंद में सौरभ सिंह, जबलपुर कैंट में अभिषेक चौकसे चिंटू, पनागढ़ में राकेश पटेल, निवास में चैन सिंह, मंडला में अशोक मस्कोले, बारासवनी में विक्की पटेल, गोटेगांव में एक बार फिर से बड़ा घटनाक्रम, नरसिंहपुर जिला के गोटेगांव में इतने पहले एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे, उनको उनकी टिकट कट गई थी, लेकिन उनको फिर से टिकट मिल गई है नर्मदा प्रसाद प्रजापति। गाड़रवारा में सुनीता पटेल, जी हाँ, गाड़रवारा में सुनीता पटेल को फिर से टिकट मिल गई है। हाल में इतने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ज्वाइन करी थी कांग्रेस, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली है। गाड़ावारा में फिर से जो विधायक हैं सुनीता पटेल, उनको टिकट मिल गई है। जुनारदेव में सुनील उइके, अमरवारा में कमलेश सिंह, चुरई में सुजीत मेर सिंह, सौसर में विजय चौरे, परसिया में सोहन बाल्मीक, पांडुना में नीलेश उइके, और सिवनी मालवा में अजय बलराम पटेल, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में गिरिजा शंकर शर्मा, सुहागपुर में पुष्पराज सिंह, पिपरिया में गुरुचरण खरे, भोजपुर में राजकुमार पटेल, सांची में जीसी गौतम, कुरवाई
में रानी अहरवास, सिरोंज में गगनेंद्र रघुवंशी, भोपाल उत्तर से आतिफ अकील, भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को टिकट मिली है। भोपाल दक्षिण पश्चिम में पीसी शर्मा, गोविंदपुरा में रविंद्र साहू, हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी, इछावर से शैलेंद्र पटेल, इतने मेघा परमार टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं दी है। पर्वतारोही है नरसिंहगढ़ में गिरीश भंडारी, ब्यौरा में पुरुषोत्तम दांगी, सारंगपुर में श्रीमती कला महेश मालवीय, सुजालपुर में रामवीर सिंह सिकरवार, देवास में प्रदीप चौधरी, खातेगांव में दीपक जोशी, खातेगांव से दीपक जोशी को टिकट मिली है। बागली में गोपाल भोसले, हरसूद में सुखराम सालवे, खंडवा में कुंदन मालवीय, नेपानगर में गेंदूबाई चौहान, बुरहानपुर में सुरेंद्र सिंह सेरा जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, सुरेंद्र सिंह सेरा, सेंधवा में मोंटू सोलंकी, पानसेमल में चंद्रभगा किराड़े, मनावर में डॉक्टर हीरालाल अलावा, धार में प्रभा गौतम, बदनावर में भवर सिंह शेखावत, इंदौर तीन में दीपक पिंटू जोशी, इंदौर पांच में सत्यनारायण पटेल, महू में रामकिशोर शुक्ला, उज्जैन दक्षिण में चेतन प्रेमनारायण यादव, बड़नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी, रतलाम ग्रामीण में लक्ष्मण ढिंडोरे, रतलाम शहर में पारस सकलेचा, जावरा में हिम्मत श्रीमाल, मल्हारगढ़ में परशुराम सिसोदिया, गरौठ में सुभाष सोजातिया, नीमच में उमराव सिंह गुर्जर और जावद में समंदर पटेल, ये पूरे के पूरे नाम हैं। और फिलहाल बड़ो घटनाक्रम जो पूरों को पूरा भव है, अब एक बार फिर से बुंदेलखंड की सीटों पर अगर बात करें तो बुंदेलखंड की सीटों में बीना में निर्मला सप्रे को टिकट मिली है, खुरई से लक्षा राजपूत मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ, लक्षा राजपूत के नाम का युवा चेहरा है, इनको टिकट मिली है। रैली में बड़ो घटनाक्रम है, कमलेश साहू की टिकट कट गई है, ज्योति पटेल को टिकट मिली है। पिछले चुनाव कमलेश साहू लड़े थे, ज्योति पटेल जिला पंचायत की सदस्य हैं और युवा नेता हैं, उनको टिकट मिली है। और सागर में निधि जैन को टिकट मिली है, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके भैया सुनील जैन, पूर्व विधायक उनकी पत्नी निधि जैन महापौर को चुनाव भी लड़ी थी हाल में ही। इसके संगे निवाड़ी में बड़ो लटपट भाव है, निवाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अमित राय को टिकट दे दी है। अमित राय की माताजी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, निवाड़ी जिला में अमित राय जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कछु दिनों पहले इनको भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दो गो तो जब नगरी निकाय के चुनाव भए थे, इसके बाद इन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, लेकिन विधायक अनिल जैन से लगातार इनकी अदावत चल रही है और यही बीच अमित राय को टिकट मिल गई है, जो बड़ो घटनाक्रम भाव है निवाड़ी में। उतई दमोह में अजय टंडन को टिकट मिली है, पन्ना में भरत मिलन पांडे को टिकट मिल गई है, मैहर में धर्मेश गई को टिकट मिली है। उतई अगर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो सुमावली में कुलदीप सिकरवार, मुरैना में दिनेश गुर्जर, दिमनी में रविंद्र सिंह तोमर, अम्बा में देवेंद्र रामनारायण सकवार, भिंड में चौधरी राकेश चतुर्वेदी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, और गोहद में केशव देसाई, ग्वालियर से सुनील शर्मा, और दतिया में जो बड़ो घटनाक्रम भाव है, दतिया में जो भिंड से भैया राकेश चौधरी राकेश चतुर्वेदी को मिली है भिंड से टिकट कांग्रेस पार्टी की। दतिया में जो बड़ो घटनाक्रम भाव, इतने अवधेश नायक जो भारतीय जनता पार्टी से आए थे कांग्रेस पार्टी में और भाजपा से आके उनको सीधे टिकट मिली, लेकिन इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे राजेंद्र भारती, उनके समर्थकों ने जम के जो है हंगामा भी करे, आलाकमान पर दबाव भी बनाओ, और यही से जो है आला कमान पे जो दबाव बना राजेंद्र भारती के लोगों ने, और तमाम सारी रिपोर्ट आई कि राजेंद्र भारती बेहतर कैंडिडेट हुई है, सो उनको टिकट फिर से मिल गया है। अवधेश नायक को टिकट कट गया है, अब अवधेश नायक का करें जो बड़ो सवाल है। फिलहाल ई के संगे दमों में एक बार फिर से कही जा रही थी कि अजय टंडन की टिकट खतरे में है, लेकिन अजय टंडन जो अपने स्वभाव की वजह से अपने अच्छे स्वभाव बेहतर जो है कांग्रेस की नज़र में बेहतर हुई है, सो उनको टिकट मिली है। ई के संगे जो बड़ो घटनाक्रम भाव है पिछोर में जो है टिकट दी गई थी शैलेंद्र सिंह को। दरअसल पिछोर सीट से चुनाव लड़ रहे थे केपी सिंह कक्काजू और लंबे समय से होते विधायक थे और वे लंबे समय से होते लड़त आ रहे थे, लेकिन ई बेर उनकी टिकट काट के उनकी जगह टिकट दे दी गई कितने टिकट दे दी गई जो है उनको शिवपुरी से, और इसके संगे शैलेंद्र सिंह को टिकट दी गई थी जो है पिछोर सीट से, लेकिन
पूरे जिले में एक तरीके से जो राजनीतिक जो सामाजिक समीकरण है भी गड़बड़ हो रहे थे। यही वजह से एक नव दांव खेले गए, प्रीतम लोधी को कमजोर करके खिलाने पिछोड़ से अब अरविंद लोधी को टिकट दी गई है और अरविंद लोधी और प्रीतम लोधी यानी लोधी समाज के बड़ी संख्या में वोट होते, करीब 50,000 से ज्यादा वोट होते बताए जाते हैं पिछोड़ सीट पर। सो अब दो लोधी समाज के प्रत्याशियों की आमने सामने की टक्कर हुई है और जिन लोधी समाज के वोटरों की जो है पूरी ताकत प्रीतम लोधी के संग खड़ी रखती, वो ताकत को अब आधो करने की कोशिश है जो है कांग्रेस पार्टी ने जो दांव चले है और इनके संग ही सामाजिक समीकरणों को भी व्यवस्थित करने की कोशिश करी है, जिसमें जो है कोलारस से भी ओबीसी समाज से यादव जो है समाज के हिसाब से टिकट दी गई है और इतने लोधी समाज के हिसाब से। उनके संग भोपाल की जो दो ही सीट हैं उन पे अगर बात करें तो भोपाल में जो दक्षिण पश्चिम सीट है उस सीट से टिकट दी गई है पीसी शर्मा एक बार फिर से भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से जो है विधानसभा को चुनाव लड़ें। और ई के संग भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को टिकट दी गई है, भोपाल उत्तर से आरिफ अकील के परिवार के आतिफ अकील को टिकट दी गई है। और ई के संग जो है गोविंदपुरा से रविंद्र साहू जो है जो झूमरवाला के नाम से प्रसिद्ध हैं उनको टिकट दी गई है, पिछले कई महीना से जे भी अपनी तैयारी में जुटे थे। कुल मिला के फिलहाल की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है सूचियों को जो बातचीत जो है चली आ रही थी कि कब आए, अब भैया कांग्रेस पार्टी ने जो है रात के 12 बजे से करीब 15 मिनट पहले यह सूची जारी करी। और निवाड़ी से अमित राय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज रात तक हते उनको जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी है। युवा नेता है, अच्छो रोमांचक चुनाव निश्चित तौर पे अब हुई है। अब एकाध दिना में लग रहा हूँ जी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी लगभग फाइनल सूची दे दी है। सो अब जो लग रहा हूँ एकाध दिना के भीतर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची जारी करे। फिलहाल जो आज के जो बड़े घटनाक्रम हैं उनमें एक तो कटनी जिला की विजय रावगढ़ सीट से नीरज बघेल को टिकट है, इतने ध्रुव प्रताप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उनको टिकट मिलने के आसार थे लेकिन उनकी जगह टिकट दी गई नीरज बघेल को। और ई के संग अगर बात करें के दतिया में जो बड़ो घटनाक्रम भाव है, इतने अवधेश नायक को टिकट मिली थी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ और इतने जो टिकट उनको मिली थी सो अब उनको जो है उनकी अवधेश नायक की टिकट कटी है और राजेंद्र भारती को इतने फिर से टिकट मिली है। उतई पिछोर में जैसे हमने बताई शैलेंद्र सिंह को टिकट मिली थी, उनकी टिकट काट के अब पिछोर में मिल गई है जो है अरविंद सिंह लोधी को। एक और टिकट को जो घटनाक्रम भाव है वो भाव है नरसिंहपुर जिला की गोटेगांव सीट से, इतने एनपी प्रजापति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री इनको टिकट काट दोगे तो, लेकिन उनको एक बार फिर से टिकट दे दी गई है शेखर चौधरी जो उतर प्रत्याशी बनाए गए थे उनकी जगह। तो कुल मिलाकर तीन जगह से जो सीटें हैं उन सीटों में बदलाव है और उनके संग जो है तीन सीटों पर बदलाव है, कई जगह नए नाम हैं और अमित राय को नाम चौंकावे वालों है। और अगर बुंदेलखंड में मंत्रियों के खिलाफ बात करें तो सभी मंत्रियों के खिलाफ एक तरीके से अब ऐलान हो गया है कि खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ रक्षा राजपूत को टिकट दी गई है। रक्षा राजपूत नगर पंचायत के चुनाव के समय चर्चा में आई थी और वो इसके बाद से भी लगातार क्षेत्र में अपनी दावेदारी कर रही थी और अब कई जा रही है कि हाल में अरुणोदय चौबे जो है हाल में ही कांग्रेस पार्टी में वापस करे, उनने एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के सामने जो प्रस्ताव रखे कि अगर रक्षा राजपूत को टिकट दी जाए तो वे समर्थन करें और वे सहयोग भी करें। और जो ही बात कहूँ ना कहूँ काम आ गई है जो रक्षा राजपूत के टिकट के फाइनल होवे में। उतई ज्योति पटेल जो मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ जो है चुनाव लड़े उनको समीकरण कैसे बने वो भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बुंदेलखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज के कई प्रत्याशी को जो है भाजपा भी टिकट दे रही कांग्रेस भी दे रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बुंदेलखंड में लोधी समाज के कई प्रत्याशी को टिकट दो, यादव समाज के प्रत्याशी को भी टिकट दो, लेकिन पूरे समीकरण में पटेल समाज के प्रत्याशी छूट रहे थे और यही वजह से
जो है कांग्रेस पार्टी को जब पूरा समीकरण देखे सो उतने पतों परे कि भैया पटेल समाज के कुर्मी समाज के कौन प्रत्याशी को टिकट ही नहीं मिली। तो यही वजह से ज्योति पटेल इतने प्रत्याशी बनाई गई हैं जो है मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ। और ई के संगे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने सागर जिला में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन महिलाओं को टिकट दो है। सागर में शहर की सीट पे अगर बात करें तो निधि जैन को टिकट दौगो है और निधि जैन जो सागर के विधायक हैं शैलेन जैन उनके भैया सुनील जैन उनकी पत्नी निधि जैन महापौर को भी चुनाव लड़ी थी। तो सागर जिला में एक नहीं बल्कि तीन तीन महिला उम्मीदवारों को टिकट दौ है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी ने जी तरीके से महिला उम्मीदवार उतारे हैं तो जो महिला आरक्षण को लेकर जो बातचीत चल रही थी पूरे देश में चल चाहती उन पर भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये बात को बतावे की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिला प्रत्याशी दे रहे हैं अपनी तरफ से। भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी को टिकट मिले हैं भिंड से कांग्रेस पार्टी को। एक बार फिर से अगर इस सूची पर अपन बात करें सुमावली से कुलदीप चक्रवाल, मुरैना से दिनेश गुलजर, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अम्बा से देवेंद्र रामनारायण सकवाल। दिमनी को भी बड़ा रोचक घटनाक्रम है, उन्होंने मुरैना जिला की दिमनी में इतने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उम्मीदवार हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दो है रविंद्र सिंह तोमर को विधायक को। अब इनके बीच आमने सामने की टक्कर हुई हो ए बीच में बसपा से होते दंडोतिया जी खड़े हैं सो सामाजिक समीकरणों के हिसाब से वे भी कछु ना कछु जो है लगातार प्रयास में हो जाए कि उनकी भी स्थिति को कमजोर मान के ना चलिए। और इसके संगे जो निवाड़ी को लेकर लगातार चर्चा है निवाड़ी जैसे हमने बताई कि निवाड़ी में लगातार जो चीज़ें भई हैं वे अपने आप में अप्रत्याशित भी हैं। हालांकि अमित राय लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के जो है संपर्क में बताए जा रहे थे लंबे, लेकिन वे चुप्पी से साधे थे काहे के उनकी माताजी फिलहाल जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और यही से चुपचाप तरीके से वे टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन ई के संगे निवाड़ी सीट पे कांग्रेस पार्टी के उन तमाम दावेदारों की जो है मुश्किल एक तरीके से बड़ी है काहे के उन सबके अरमान ठंडे पर गए हैं काहे के वे टिकट मांग रहे थे लंबे समय से। निवाड़ी में बहुत सारे कांग्रेस के लोग टिकट मांग रहे थे चाहे वे रजनीश पटेरिया हों चाहे वे राजदीप राठौर हों चाहे वे डमनम महाराज हों चाहे रोशनी यादव हों जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आई थी और भी कई सारे नाम निवाड़ी में लगातार चल रहे थे। लेकिन निवाड़ी में जी तरीके को घटनाक्रम भाव है अमित राय युवा प्रत्याशी के तौर पे अब जो है मैदान में हुई हैं ताकतवर तरीके से भी चुनाव लड़ें और विधायक अनिल जैन से उनको सीधों 36 को आंकड़ा है। अब अनिल जैन को टिकट मिलत के नहीं मिलत जो भाजपा की सूची में पता चले, लेकिन अमित राय के आवेश से निश्चित तौर पे एक रोचक जो है परिस्थिति रोचक चुनाव जरूर हो। और निवाड़ी में काहे के समाजवादी पार्टी की तरफ से मीरा यादव जैसे प्रत्याशी हैं और ऐसी स्थिति में फिलहाल जो है जो समीकरण बने हैं वे समीकरण बता रहे हैं कि जो है कहूँ ना कहूँ टिकटों को लेकर जो उम्मीद हती कांग्रेस पार्टी के लोगन को क्यों जगह बा उम्मीद अच्छी भई हुई है क्यों जगह जो मूल दावेदार हैं जो लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे उनकी जो स्थिति जो है कमजोर हुई है। अब देखने जो ही है कि जी तरीके से पहली सूची के बाद कांग्रेस में कुर्ता फाड़ राजनीति शुरू भई अब दूसरी सूची के बाद आखिर का राजनीति होते का जितने भी जो प्रत्याशी हैं जो बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन सबको बाकी के दावेदार स्वीकार करते हैं या कि तुम विरोध की स्थिति बन जैसी पहली सूची के बाद आई। और यही वजह से तीन जगह नाम आज बदले गए हैं। राजेंद्र भारती को टिकट दी गई है अवधेश नायक की जगह दतिया में, अरविंद सिंह लोधी को टिकट दी गई है शैलेन सिंह की जगह पिछोर में और ई के संगई एनपी प्रजापति को जो है टिकट दी गई है फिर से शेखर चौधरी की जगह नरसिंहपुर जिला के गोटे गांव में। और फिलहाल की जो सूची है इस सूची पे का परिस्थिति बनत है जो तो जो है समय तय करें। भाजपा की सूची अभी आप शेष है लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है कि क्यों जगह कद्दावर प्रत्याशी इस सूची में दिखाई दे रहे हैं क्यों जगह कमजोर प्रत्याशी कछु सीटों पर दिखाई दे रहे हैं जैसा हमारा अपना अनुमान है। बाकी लोकतंत्र में जनता जनार्दन है सो भैया जो जीते वो सिकंदर जो हारे वो मस्त कलंदर तो बस यही स्थिति है। फिलहाल रोचक चुनाव
अपने दौर में है, काय के इतना रोचक है कि रात के वजह सो नहीं पा रहे। हम तो पढ़ रहे थे, पलंग पे हते, सो अचानक से खबर आई गई, सूची आ गई, सो आप सब जनन के सामने लाइव आ गए और काय के बुंदेली बोछार पे आप सब लोगों को जो है भरोसा है। सो भैया और ई के पहले जितेक चाहवा उड़क कि सच्ची झूठी, सच्ची जो है सूची और झूठी सूची, लेकिन जो सूची है सो है वह हमने आपको बुंदेली बोछार पे जब बताई जा, सो जो है बढ़िया होते है। और बाकी बहुत जने जो है सवेरे से कह रहे थे भैया कबनों आई कबने आई, सो बस आ गए भैया रात के। आप सब जनन को भैया राम राम, आप सब धन्यवाद बड़ी संख्या में। देखो आप जने सब जने भी रात के 12:30 बजे जग रहे हो, सो बस ईगो और विश्लेषण अपन ढूंढसारे करें, लेकिन जो है सूची आ गई कांग्रेस की। अब हमें लग रहा है कि एक आधे दिन हमें संभवतः कल परसों में उम्मीद है कि भाजपा की सूची भी आए और कार्यक्रम नामांकन भी शुरू होने वाले हैं। सो बस आप सब जनन को जो है राम राम। और काय के बुंदेली बोछार भैया खबरों के मामले में तो बिल्कुल पक्की देता अपन टक्क सी खबर, सूची ऊंची के मामले में रोज जो है सूची के मामले में बड़ा हल्ला हो कि भैया जा आ गई बा आ गई, लेकिन बुंदेली बोछार जब बता तभी सच्ची मानियो कि भैया सूची आ गई। काय के हम जब तक 100% पुष्टि नहीं कर ले तब तक अब बुंदेली बोछार पर कोनो भी सूची खोले के या कोनो भी तरीके की खबर नहीं चलाओ जिसे कोई भी गलत अफवाह फैलवे। सो भैया आज की ताज़ा खबर यही हती, रात के 12:15 बजे और 12 बजे से शुरू करी और इनके बाद जो है अब अपन आगे जो है बढ़िया सवेरे सवेरे बढ़िया कली को विश्लेषण करें कि का हो रहो का नहीं हो रहो, इनके बाद आगे की राम कहानी देखें। ठीक है, राम राम।